हेलो एवरीवन। देखिए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ जो हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं, इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर पता करना है जो कि इनमें मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। फिलहाल ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, लेकिन इनमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। फिर जो मल्टीप्लाई करके इसमें जो स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन की जो आपने क्लास 4th 5th में जो आपने एलसीएम निकालने के लिए जो तरीका अपनाया था ना प्राइम फैक्टराइजेशन का, वही अप्लाई करेंगे। जैसे 252 है तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो, 252 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 252 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है, 2 है। तो देखिए, वंस प्लेस पर यहाँ पर 2 है, यानी एक ईवन नंबर है। ईवन नंबर है तो पूरा नंबर जो 2 की टेबल में आ जाएगा, यानी 2 से डिविजिबल है। तो डिवाइड कर देते हैं इसे 2 से, तो यहाँ 2 लिख देते हैं और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, बचेगा 1 1 और 2 12, 2 6 जा 12। और लास्ट में 6 है तो ये फिर से 2 की टेबल में आ जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, अब बचा 63। तो ये 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 है। तो फिर से 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 7 जा 21, अब बचा 7, 7 1 जा 7। यहाँ देखें तो देखो, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 अकेला बच गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे देखो, 7 का पेयर नहीं बनना है तो हमें यहाँ पे 7 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर क्या हो गए, 252 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 7 यहाँ पे हमें अनपेयर्ड रह गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और पूछिए, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब पहले तो 252 में हम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक रूट लगा देते हैं, तो क्या आएगा, अब 252 के जो फैक्टर थे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 252 के फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 2 और 2 बार 3 था, और हमने ये 7 तो एक था ही, और हमने ये 7 एक और मल्टीप्लाई यहाँ पे किया। देखो, तो ये 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना और ये 7 का, तो आंसर कितना आ जाता है, 2 यहाँ पे लिखा 2 इंटू 1 3 ले लिया और इंटू 1 7, आंसर कितना आ गया, 2 3 6, 6 7 जा 42। तो आंसर कितना आ गया इसका, 42। ठीक है, 42 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले हमने इसके फैक्टराइज करें, जो पेयर अनपेयर्ड रह गया उतने से इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ 7 की कमी थी तो 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई करके और ये जो स्क्वायर नंबर आएगा इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 42। ठीक है, अब जरा इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखो, नेक्स्ट नंबर है हमारा 180। सेम ऐसे यहाँ पे भी इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 180 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 0 है। ठीक है, तो ये 5 की टेबल में आसानी से चला जाएगा, 5 3 जा 15, बचेगा 3 3 0 30, 5 6 जा 30, 36। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 18 जा 36, फिर से 2 की टेबल में चलाएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ देखे जाए तो 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 अनपेयर्ड यहाँ पर रह गया। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जरा जो नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फिर हमें रूट निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तो 180 नंबर था, 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 5 × 2 × 2, जो से पहले लिखा था, जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले थे वो तो यहाँ लिख दिए, और इंटू 5 है तो वो भी हमने लिख दिया। देखो 2 2 के 2 का एक पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का यहाँ से और ये एक ये, ठीक है, ये 5 है दो बार, तो एक ये पेयर बन गया। तो आंसर कैसे निकालेंगे, जो दो बार 5 लिखा उसको एक बार लिखा, एक ये 2 का लिखा और एक ये 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 10 3 30, कितना आ गया 30, 30 इसका आंसर आ गया, किसका 30 इसका आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करा तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 30। ठीक है, इस तरह से दो पार्ट हो गए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे इसके पार्ट वो भी करेंगे।